केमिस्ट्री में का ये क्वेश्चन नंबर 1। चलिए जल्दी बताइए। पहले इक्वेशन लिख लीजिए।
पहले आपके पास आप सिर्फ ध्यान दीजिए, या इसको प्लस के फॉर्म में मैं लिख देता हूं, प्लस के फॉर्म में प्लस 0.059 बाय 2 लॉग Cu प्लस 2 बाय Zn प्लस 2। हमें नेट देखना है, Cu प्लस 2 बाय Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन नेट बढ़ रही है या घट रही है। जब ये यहां पर क्या है भाई, 1 है, और ये कितना है 10 टू द पावर माइनस 2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2, ये आपके पास इवन आता है तो ये है। इसी को चेंज करके लिख लीजिए, वैल्यू को कंपैरिजन कर लीजिए, कौन ज्यादा है कम है। अब उल्टा कह रहा है, इनपुट होगा यहाँ पर Cu प्लस 2, Zn प्लस 2 का रेशियो निकाल लीजिए। अब कह रहा है कि Cu प्लस 2 10 टू द पावर माइनस 2 हो, ये 1 हो, बताइए ये कम है ना, इवन ज्यादा है कि नहीं। ये वैल्यू तो दोनों में फिक्स है, देखिए इवन 10 टू इवन, जो यहां पर जो रेशियो आ रहा है वो 100 आ रहा है, यहां जो रेशियो आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 2 आ रहा है, सो द इवन ग्रेटर देन इक्वल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ आया सबको समझ में एक्सप्लेनेशन? रेशियो को देख लो, रेशियो ज्यादा है अरे भाई लोग, आया समझ में? सैयदा इब्राहिम कौन है, ये क्या पूछ रही है सैयदा इब्राहिम? दो वाले में m प्लस 2 लिया, m प्लस 1, m क्या लिख रही है, m कहां लिखा होगा भाई, ये क्या पूछ रहे हैं सैयदा इब्राहिम? बहुत आसान क्वेश्चन है ये।
सबसे आसान है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर कोई चेंज नहीं होगा जब किसी भी इक्वेशन से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, समझा? नो चेंज।
चलिए यहाँ देखें सारे लोग कि केस कुछ नहीं करना, सबसे पहले एल प्लस थ्री एल प्लस थ्री तीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल में कन्वर्ट कर रहा हूं। पहला काम आप हमेशा, मैंने कहा कि जब भी ना बने आप इक्वेशन लिखिए माइनस 0.05 बाई एन लॉग 1 बाई एल प्लस 3। मेन मकसद है हमें एल प्लस 3 का कंसंट्रेशन निकालना, ठीक है कि नहीं? वो निकलेगा पीएच और केएसपी की मदद से। अब देखिए सबसे पहली बात, पीएच 12 है तो पीओएच कितना होगा? 2। यस या नो बताओ, पीएच 12 है तो पीएच 2 है, सबको समझ में आया? क्यों पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होता है भाई, पीएच प्लस पीओएच 14 के बराबर होता है। हमें मकसद है ओएच माइनस, जो कि ये बेस है, OH माइनस की कंसंट्रेशन 10^-2। तो हम पीएच की वजह से OH की कंसंट्रेशन निकाल लें। चलिए यहां तक लिखिए सारे लोग। आप देखिए एल ओ एस थ्री में, और से सुनिए, आपको मालूम है कि हम कैसे केएसपी कैसे निकाला जाता है। केएसपी इज इक्वल टू एल प्लस थ्री की कंसंट्रेशन और ओ एच माइनस का होल क्यूब 10^-36। एल प्लस थ्री की कंसंट्रेशन मालूम नहीं, OH माइनस का 10^-2 का होल क्यूब। यहाँ से एल प्लस थ्री की कंसंट्रेशन आ जाएगा -36 -6 -30। बताओ आया कि नहीं सबको? बताओ ये लिख लो केस। तो मकसद यही है कि एल प्लस थ्री का निकालना, सबसे पहले इक्वेशन लिखो फिर दिमाग लगाओ हमें क्या चाहिए। तो अब यहाँ पर एन की वैल्यू ना लिखकर थ्री लिख दीजिए। बताओ यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? यहाँ तक लिख लिए सारे लोग? अब वैल्यू पुट कर दीजिए, -1.66 था, -1.66
माइनस 0.059 बाई 3 लॉग 1 बाय 10 टू द पावर 30। पहली बात कि ए और बी को ऑप्शन होगा नहीं, तो यहाँ नेगेटिव में आंसर आएगा 0.059 बाय 3 लॉग 30 माइनस 1.66 0.059 बाय 3 इनटू 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, ये माइनस 2.25 वोल्ट सही है। बताओ बताओ, डी आंसर इज करेक्ट। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो बेसिक कंसेप्ट भी आना चाहिए, इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन भी कराया जाता है जानबूझ के, समझा? जानबूझ के छोटा छोटा क्वेश्चन भी कराया जाता है, समझा? सारे बच्चों को ये नहीं कि न्यूमेरिकल आ रहा है, थ्योरी आ ही नहीं रही है, तो रिवीजन का मतलब यही है कि ऐसा पढ़ाया जाए कि पूरा थ्योरी भी सॉल्व हो जाए। जल्दी बताओ, सारे लोग बताओ। वेरी गुड, आसान क्वेश्चन है सब कुछ, क्या आप थ्योरी पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसलिए डिवीजन का अंदाजा क्वेश्चन से लगा लें। क्या आप एक एक सेंटेंस को पढ़ के आए, कोई ये ना कहे कि हमें बोर्ड लेवल की तैयारी नहीं हो पाई। सब कुछ होगा, बोर्ड लेवल भी होगा, सब कुछ होगा। एक गधा कहेगा ईएमएफ दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहाँ रॉड है, रॉड जब होगा तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। कौन लिखा रहे कि नहीं लिखा रहे, बिहारी है क्या? ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दिमाग नहीं है? यहाँ मेटल रॉड है सिंगल, बोला ईएमएफ होता ये होता, तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। ओके जुनाब चौधरी, बस तफसील आया करो और बस मैसेज लिखने में रहो। बस मेटल रॉड के अंदर या तो टेंडेंसी है लॉस करने की या गेन करने की, इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। दैट द रीजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर टू टाइप्स, लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, गेन करेगा तो रिडक्शन। मेटल रॉड सिंगल इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, ईएमएफ में तो दो हाफ सेल की जरूरत पड़ेगी। जाओ जाओ करेला की सब्जी खरीदो और खाओ। ये कोई डाउट नहीं है, ईएमएफ के लिए
दो हाफ सेल होना चाहिए। चलिए आप मेन टॉपिक पर आइए। देखिए मेन टॉपिक में हम लोग क्या एनालाइज कर रहे थे, न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखिए सारे लोग ध्यान देंगे, रात के 11:30 या 12 बजे के करीब कुछ एक स्टूडेंट का व्हाट्सएप मैसेज आता है, और से सुनिएगा, उनका नाम जेड से है, जेड, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा ना, मीडिया में लाऊंगा उनको, एक कंफ्यूजन दूर कर ले, मैं रिवाइज करा देता हूं, और से सुने प्लीज, यहां देखें, प्लीज देखें, हमने आपको मोलर कंडक्टेंस पढ़ाया था और ये बोला था कि मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, और ग्राफ भी यही बताया गया था, कंसंट्रेशन के साथ साथ घटता है बट डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ता है, क्यों, जब डाइल्यूट करते हैं ना तो डिसोसिएशन बढ़ता है, क्यों, केटायन और एनायन के बीच का सेपरेशन बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, मैंने आपको ये दिखाया था यूनिवर्सली, बताइए, और फॉर्मूले में भी तो शामिल था कप्पा इन 2000 बाई मोलारिटी, मोलारिटी के इनवर्सली, लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इनटू बी, बी के डायरेक्टली, बताइए कोई डाउट है इसमें, मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है, कंसंट्रेशन के इनवर्सली, ये पढ़ाया था, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, जेड नाम के स्टूडेंट, जेड नाम के कोई भी स्टूडेंट हो, क्या उनको डाउट है इसमें, अरे जेड नाम के स्टूडेंट का रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है, जो भी सेट्स में, हाँ वेरी गुड, आप सुनिए, अच्छा आप लोग नोट्स करिए, रिमार्क्स का पहला पॉइंट इसमें क्या था, और मैंने इस पॉइंट पर स्टार पॉइंट आया था कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कप्पा कहते हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विथ डाइल्यूशन, पहले नोट्स में देखो क्या ये लिखा हुआ है कि नहीं, ये कोई गलत बात लिखी हुई है तो मैं चेंज कर दूं, कप्पा डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन लिखा हुआ है, ये ना बोलो क्यों, तो मैंने आपको इसी तरह पहले पढ़ाया था कप्पा इन टू बी, तो कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा बाय बी, इसी तरह पढ़ाया था कि नहीं, कि पहले मैथमेटिकली समझो फिर कंसेप्चुअली समझना, ये एग्जांपल दिया था, इसी तरह सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा कप्पा डिक्रीज होगा, ये तो मैथमेटिकली हुआ, इसी तरह मैंने बोला था, कंसेप्चुअली क्या है कि कप्पा की डिफिनेशन, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जब डाइल्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस में इंक्रीज ज्यादा नहीं करेगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, यही लाइन लिखा गया था, विद डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, न्यूमेरेट देखो ए बाय बी है, मान लो ए भी बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रहा है, बी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ए बाय रेशियो क्या होगा, घटेगा ना, वही है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसलिए कप्पा और उसमें एक लाइन कप्पा डिक्रीजेस उसमें लिख लो, अगर नहीं लिखे हो ये वाला, ये लिखे थे कि नहीं, कप्पा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, स्टूडेंट को ये समझ ही में नहीं आ रहा है, जेड नाम के स्टूडेंट को, कि कप्पा लैम्डा अलग अलग चीजें हैं, उसको मिलाए नहीं, दोनों अलग अलग है, याद रखो कंडक्टिविटी यानी कप्पा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, लिख लो
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये लिख लो। डाइल्यूशन के साथ साथ घटेगा बट कंसंट्रेशन के साथ बढ़ेगा। क्या जेड नाम के सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? नहीं नहीं, कंडक्टिविटी वाला नहीं लिखे होगे, कंडक्टिविटी वाला ये वाला लिखाया था रे कुंडा कहीं का, कंफ्यूज मत हुआ करो। ये है लेमडा एम, ये लिखाया था मैंने इस तरह, कंडक्टिविटी का शायद शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखाया होगा। क्या जेड नाम के स्टूडेंट को अभी भी नहीं आया? हाँ, सेंटेंस के फॉर्म में तो लिखवा दिया था, वो तो है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहा हूं। तो कप्पा का शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, सेंटेंस के फॉर्म में तो मैंने लिखा दिया था, कंफ्यूजन दूर करें। कप्पा लेंडा तो वो बेचारे कंफ्यूज थे कि एक दफा लिखा रहे हैं कि डाइल्यूशन के साथ बढ़ रहा है, एक दफा लिखा रहे हैं डिक्रीज हो रहा है। अरे भाई, कंडक्टिविटी और लेंडा अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग है। मोलर कंडक्टेंस का ये रिलेशन है, कप्पा का ये रिलेशन है, और ये एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन भी है, वाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो अरे सेड नाम के स्टूडेंट रिस्पॉन्स करें, सिर्फ जोया का रिस्पॉन्स आया है। ये पढ़ाया जा चुका था, मैं रिवाइज करा दिया। चलिए, ये पढ़ाया जा चुका था आपको, चलिए आगे बढ़े। ये बस शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख पाया था, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। सारे लोग गौर से सुनिए, हमने आपको लिखाया था कि फैक्टर अफेक्टिंग द मोलर कंडक्टेंस न्यूमेरिकल करा दिया था, एक दो क्वेश्चन कीजिए फिर न्यू थ्योरी पर आएंगे। तो मोलर कंडक्टेंस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करता, लिखाया था आपको, टेम्परेचर पर डिपेंड करता और डाइल्यूशन पर। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग आंसर देंगे कि किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा है। राइट द ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ following example first।
अरे यार ये जैद कौन लड़का कौन स्टूडेंट है सर, जल्दी बताओ किस स्कूल में हो तुम सर? अलग अलग आईडी करके आ, तो कौन हो सर जल्दी नाम बताओ। ये ऑप्शन नहीं है यार, ऑप्शन नहीं है, ऑर्डर लिख लो अपने से। शायद तुम मेरे यहाँ तो नहीं पढ़ते हो, एक शायद है जो एसपीएस का है, तुम कहाँ से आ गए भैया? एसपीएस में हो कि एचपीएस में हो जल्दी बताओ। तुम तो मेरे यहाँ नहीं पढ़ते हो, तो पहली क्लास है क्या तुम्हारी? जाइए आप, आज क्यों आए हैं आप? वो नए बैच में आएंगे इसीलिए लिख रहे हैं कि नहीं समझ में आया, मजाक बना रखा है क्लास का? नए बैच में आएंगे, नए बैच में आएंगे आप प्लीज। सबसे पहली बात देखो, सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक ही तरह का नेचर है सब में। इसमें बताओ सारे लोग नंबर ऑफ आयंस, सारे लोग बताओ इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे? फोर। इसमें नंबर ऑफ आयंस थ्री, इसमें नंबर ऑफ आयंस टू, इसमें नंबर ऑफ आयंस वन। सो द ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन। तो देखो मोलर कंडक्टेंस का अब मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं कि आप जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस को क्यों देखा गया? सब सेम नेचर का है, एक ही तरह का कंपाउंड है, एक ही तरह का कंपाउंड है, नंबर ऑफ आयंस को देखें क्यों? जितना मोलर कंडक्टेंस किसको कहते हैं? कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें चार आयंस है या आयंस है ही नहीं? बोलिए, सबको समझ में आया एक्सप्लेनेशन? अरे समझ में आया, जल्दी रिस्पॉन्स करो यार, घर में मिटाऊंगा, टाइम रहता नहीं है, तुम लोग जल्दी बताओ। अब देखो मैं शॉर्ट ट्रिक्स लिखा देता हूं, गौर से सुनो। एक कंसेप्ट होता है, गौर से सुनो, एक कंसेप्ट है कि मोलर कंडक्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है वो आपको याद रखना। एक है क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका कि जब मोलर कंडक्टेंस का ऑर्डर कहेगा याद रखो,
स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तुम माइंड में लाओगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। आप पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग की मोलर कंडक्टेंस वीक से ज्यादा होगी बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर कंप्लीटली डिसोसिएट। जब ये नहीं रहे तो स्टेप सेकंड पर आओ और फिर नंबर ऑफ आयंस को देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस। अगर नंबर ऑफ आयंस भी सेम रहे तो साइज को देखो, तुम पढ़ चुके हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसमें एक एक्सेप्शन है एच प्लस वाला। स्टेप फोर्थ, जब सब कुछ सेम रहे तो तुम चार्ज को देखो, चार्ज ऑन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितना चार्ज ज्यादा होगा तो उतना ही मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। जल्दी लिखिए, ये है क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका। बोलो ये लिख लिए सारे लोग? जब भी क्वेश्चन आए कि ऑर्डर बताएं तो तुम इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देखोगे, सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जब ना रहे तो नंबर ऑफ आयंस को देखो, जब नंबर ऑफ आयंस सेम रहे तो साइज को देखो, चार्ज ऑन आयंस को देखो। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं जल्दी लिखो, ये है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग तरीका। आगे बढ़े, इसलिए आप लोगों ने चलो एक टॉपिक आ रहे सारे लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। टॉपिक सारे लोग जल्दी बताओ। अब सारे लोग सुनो, एक टॉपिक था मोलर कंडक्टेंस, वहां मोलारिटी की बात आएगी, यहां इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, डेफिनेशन सेम रहेगा, बस यहां पर नॉर्मेलिटी की बात होगी। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में 2-3 दफा आ चुका है, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो देखिए कंडक्टिंग पावर, वही डिफिनेशन, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। याद है ग्राम इक्विवेलेंट कहां आता है? नॉर्मेलिटी में। अब मोल कहां आता है? मोलारिटी में। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बताया गया था, all that produced by 1 gram equivalent of electrolyte, molar conductance में यहाँ लिखा था 1 mole,
इन अ गिवन सॉल्यूशन प्रक्रिया बोलिए। इसलिए डेल्टा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कप्पा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, दिस इज द फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी, इसलिए नॉर्मेलिटी जानना जो पढ़ा दिया गया। देख लिया सारे लोग? सारे लोग देखो, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो लैम्डा इन क्या था, कप्पा इन 2000 बाय मोलारिटी। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या हो रहा, कप्पा इन 2000 बाय नॉर्मलिटी। दोनों का रेशियो लो, जब दोनों का रेशियो लोगे तो नॉर्मलिटी ऊपर मोलारिटी नीचे। नॉर्मलिटी को लिखेंगे मोलारिटी इनटू एन फैक्टर एन कैंसिल, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू एन फैक्टर, दिस इज द आंसर। ये दो रिलेशन याद रखो जल्दी से, सबको समझ में आ गया? अब तुम कहोगे ये दोबारा समझा दीजिए, मैं पागल हो गया, ये पढ़ चुके हो सारे लोग, जल्दी लिखो जल्दी। नॉर्मलिटी मोलारिटी में रिलेशन मालूम है ना सबको? चलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब समझ में आ गया आपको, जल्दी बोले। आप सुनो अच्छे से, इसमें भी सारी बातें वही होंगी, कोहराज लॉ भी सब कुछ उसी तरह होगा, ग्राफ भी उसी तरह होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ लीनियर था, चाहे लैम्डा एम हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो। इसमें भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात होगी, मोलर कंड इक्विवेलेंट में भी आप होगी, दोनों में सारी बातें वही हैं, फार्मूला अलग है, कंसेप्ट एक ही है। एक की कंडक्टिंग पावर मोलारिटी पर डिपेंड करती है, एक की कंडक्टिंग पावर नॉर्मलिटी पर डिपेंड करती है। अब मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, सारे लोग बताना। जैसे आपके पास है NaCl है,
इसको भी इसी तरह लिखेंगे, देखो इंफिनिटी एन ए प्लस प्लस लेमडा इंफिनिटी इक्वल एन सी एल माइनस, और से सुनो अच्छे से, लेमडा इंफिनिटी इक्वल एन, मान लीजिए आपके पास एम जी सी एल टू है, देखो इधर क्या लिखेंगे, लेमडा इंफिनिटी इक्वालेंट एम जी प्लस टू प्लस लेमडा इंफिनिटी सी एल माइनस, बताओ सही है कि गलत है, जल्दी बताओ क्या कुछ मिसिंग है इसमें, जल्दी बोलो मिसिंग है इसमें कुछ, बट कुछ भी मिसिंग नहीं है, दिस इज सही, दिस इज सही। अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, कॉफी इक्विवेलेंट में कोफिशिएंट नहीं लेना है, इक्विवेलेंट में कोफिशिएंट नहीं लेना है, और इधर सुनो अच्छे से, इधर सुनो बिहारी लोग, अच्छा तुमसे मैं पूछता हूं, वन मोल ऑफ H2SO4 दिया हुआ है, और से सुनो अच्छे से, मैं तो डिटेल में भी समझाऊंगा, पहले बात सुनो, वन मोल H2SO4 दिया हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, टू मोल ऑफ H+ देगा क्योंकि दो H+ है, लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लिखा रहे तो याद रखो हमेशा 1 ही मोल देता है, ये लॉजिक है और इसको प्रूव किया जा सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट या नॉर्मलिटी आ जाए, चाहे इसमें जितना भी H+ क्यों ना हो हमेशा 1 मोल होगा, हमेशा 1 मोल होगा, ओके। अब मैं प्रूफ करता हूं, पहले तो लिख लो, पहले तो लिख लो बिहारी, चलो अब मैं प्रूफ करता हूं, गौर से सुनो, लिखना नहीं अभी कुछ भी नहीं लिखना, मान लो लेमडा एम इनफिनिटी एम जी Cl2 लिखना है, तो लिखना है, इसको हम क्या लिखेंगे, लेमडा एम इनफिनिटी मोलर कंडक्टेंस एम जी प्लस टू प्लस टू इंटू इनफिनिटी Cl माइनस, ठीक है। अब सुनो, अब इसको हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट, तो मोलर इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर, इसका सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, टू, तो टू इंटू इनफिनिटी इक्विवेलेंट एम जी Cl, इसको कितना चार्ज है, आयंस का एन फैक्टर 2, 2 इनटू इक्विवेलेंट ऑफ Mg प्लस 2, 2 तो रहेगा ही, एन फैक्टर कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं, इक्विवेलेंट Cl माइनस, देखो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा बिहारी, देख लो Mg Cl 2, नो एनी कोफिशिएंट शुड बी टेकन, no any coefficient should be taken, this is the proof ki jab equivalent rahe to koi coefficient nahi likhna hai, molar conductance rahe coefficient multiply, isse humne proof kar diya, to cancel, bolo aaya, are you getting my point, to all student bole खदीजा शेख लिख रही है, आई गॉट इट, जामिया गर्ल्स की लड़कियां भी इंग्लिश बोलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट इट, अल्लाह, जामिया गर्ल्स की लड़कियां भी, लिखती हैं आई गॉट इट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी इंग्लिश है भाई, लिख लिया आपने, लिख लिया, जल्दी बोलिए, लिख लिया,
अब सुनिए, एक एग्जांपल आप दे देते हैं। AlCl2SO4 3 है आपके पास, क्या लिखेंगे? मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al+3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ SO4 2-। बताओ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सब लोग लिखो आई गॉट इट। जिस स्टूडेंट ने लिखा है उन्हें खराज तहसीन अदा करें आप लोग। आई गॉट इट, सारे लोग लिखें आई गॉट इट। समझ में आया सबको? हाँ, बेचारी खुश हो जाए। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ माय गॉड। चलिए चलिए, अब आसान टॉपिक है, अब जो टॉपिक है बहुत आसान है, मेन पार्ट खत्म आपका हो गया। ओके, अब मैं आपको शुरू कर रहा हूं, गौर से सुने। सारे लोग ध्यान दीजिए, ये पार्ट जो है ना बोर्ड और कंपटीशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां तक बच्चे देखिए, कंपटीशन और बोर्ड, जिसको आप ये समझ के छोड़ देंगे अरे इसमें से क्या आएगा, नहीं, स्टूडेंट इसको मिस कर देता है। अब आपको कमर्शियल सेल के बारे में पढ़ना है और जो पढ़िएगा वही आएगा, तो हम स्टूडेंट इसको छोड़ देते अरे कौन आएगा, नहीं नहीं नहीं, आप बोर्ड का पेपर उठाए और कॉम्पिटिशन का पेपर उठाए। और आजकल पेपर तो उस टॉपिक से आता है जिसमें स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देते हैं, स्किप कर देते हैं, अरे क्या आएगा। इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ, तो बोर्ड में 99.9% लाना चाहते हो या कंपटीशन में एक क्वेश्चन का 4 नंबर होता है, तो ये टॉपिक पर ध्यान देंगे। अब तक जो आया बच्चे सब इम्पोर्टेंट समझ के उसी को पढ़ के जाते हैं। कॉम्पिटिशन और बोर्ड के लिए एवरी टॉपिक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल या मार्केट में जो अवेलेबल है, ये आपको 3 तरह का हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्राइमरी सेल, और मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, और एक पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल और एक पढ़ेंगे फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हिंदुस्तान में अब तक आया नहीं है, रिसर्च चल रहा है इसी पर। 3 सेल आप पढ़ेंगे, उसके बाद क्रोजन भी पढ़ेंगे, क्रोजन पर भी क्वेश्चन आता है। क्रोजन क्या होता है ये तो सब आप जानते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा राइट द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ क्रोजन, उसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखना है, एनोड कैथोड के फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये आप टॉपिक बचा है बस, तो ये टॉपिक डालिए सारे लोग। तो इस टॉपिक को सारे अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि हम इसको भी पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ के जाएंगे। चलिए टॉपिक डालिए, एक लाइन छोड़कर। प्राइमरी सेल लिखिए, प्राइमरी सेल। देखिए प्राइमरी सेल में, पहले सुन लीजिए, प्राइमरी सेल में क्या होता है, वो सेल जिसमें जिसको दोबारा रिचार्ज ना किया जा सके, विच कांट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। अब तो सारी बैटरी जो है वो रिचार्ज की जा सकती है, जैसे पुराने जमाने में या अभी भी गांव देहात में जाओगे, टॉर्च की जो बैटरी होती है जिसमें काली बिल्ली की तस्वीर रहती है ना, बोलो बोलो याद आया, बिहार में टॉर्च में जो बैटरी इस्तेमाल करते हैं याद आया सबको, वो रिचार्जेबल नहीं था, वो रिचार्जेबल नहीं है। ओके,
लेकिन आप तो ज्यादातर बैटरी रिचार्जेबल आती है, लेकिन अभी भी गांव देहात में आप बिहार के पुलिस वगैरह के पास वही बैटरी रहती है अभी भी, बिहार के पुलिस वालों के पास बड़ी बड़ी टॉर्च, ड्राई सेल जिसको कहते हैं, ड्राई सेल। ये सैयदा इब्राहिम बहुत बोलने लगी है भाई, हमको नहीं लगता है कि ये सैयदा इब्राहिम एक्चुअली है, ये जरूर कोई एजेंट के रूप में आई हुई है, हमको बहुत शक है इन पर। जब हम पढ़ाते, जब क्लास में पढ़ाते थे तो आवाज नहीं निकलती थी, और यहाँ तो बेचारी इतनी सवालिया समीम, आप चेक कीजिए या वही सैयदा इब्राहिम है या नहीं। अच्छा वो मैं हूँ, अच्छा चलिए 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 चलिए, नहीं हम मांगा ना आधार कार्ड नहीं दिया है, ये बहाना कर रही है कि ओखला में छूट गया है, हम फरीदाबाद में हैं। चलिए दस सेल, ये दो तरह का होता है, एक ड्राई सेल पढ़ेंगे और एक मर्क्यूरी सेल। क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि ड्राई सेल का फंक्शन लिखो, कहेगा ड्राई सेल में सेल रिएक्शन लिखो, ड्राई सेल में एनोड की रिएक्शन लिखो, ड्राई सेल में कैथोड की रिएक्शन लिखो, ये छोटा छोटा पॉइंट आएगा बस। तो आप उसी नजरिए से पढ़ना है मर्क्यूरी सेल। जल्दी लिखिए सारे, मिटा दूं, जल्दी बोलिए मिटा दूं। अभी लिखिएगा नहीं, 2 मिनट रुक जाइए। प्लीज अभी नहीं लिखना है, याद होगा बैटरी के ऊपर ऊपर कैप बनी रहती है, कैप, वो कैप क्यों लगाते हैं वो सब बताया जाएगा आपको। चलिए आप लिखना शुरू कीजिए जल्दी से, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए।
देखो ये तो ऐसे ही लकड़ी है, मोस बनाने के लिए है आपको इतना। अब इसमें कैसे कैसे आपको दिमाग लगाना है ये छोटी छोटी बातें आपको कैसे याद रखनी है इसमें। छोटे छोटे फॉर्म में ऐसे एग्जाम में कोई कहेगा एनोड ड्राई सेल में एनोड कौन है, याद रखिएगा कहेगा जिंक कंटेनर। कैथोड कौन है, पपेगा ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट यानी कार्बन, ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड, ग्रेफाइट रॉड यही है जो लिखाया गया है, सराउंडेड बाय बेस्ट ऑफ या सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2। तीसरी बात शॉर्ट फॉर्म में याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं, बेस्ट ऑफ NHO4Cl एंड ZnCl। अब आपको कैथोड और एनोड की रिएक्शन दिमाग में रखनी है बस। तो इस तरह आपको याद रखना है कि ड्राई सेल में कैथोड की तरह कौन बिहेव करता है, एनोड की तरह कौन बिहेव करता है, और आपको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं, दिख लिया जल्दी बोलिए, दिख लिया आप लोगों ने। ये ड्राई सेल है सॉरी ड्राई सेल है, ये ड्राई सेल हम लोग लिखना है, ड्राई सेल जो वही गांव देहात में जो बैटरी है वो यही है, ड्राई सेल है। चलिए लिख लिया होगा, चलिए अच्छी बात है। आप देखिए इसमें एनोड की, देखो आप तुम्हें कहेगा एनोड की रिएक्शन लिखो, कौन से सुनो अच्छे से, तो एट एनोड के रिएक्शन का, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो देखो कितना आसान है, पढ़ के जाओगे तो आसानी से लिखोगे। ZnZn पर सुनो, ये एनोड पर हो गया, बहुत आसान है, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें कैथोड पर दिमाग लगाना है, इधर सुनो लिखना मत, अच्छा पहले लिख लो एनोड का, लिख लो पहले सारे लोग, देखो ग्रेफाइट रॉड तो ये याद रखना, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज है, NH4+ कहाँ से आएगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, MnO और OH याद रखना, प्लस आपको अमोनिया गैस बैलेंस होगा, देखो प्लस माइनस बैलेंस है, और कहीं कहीं बुक में इस तरह भी लिखते हैं MnO2, लेकिन आपको एनसीईआरटी के लिहाज से चलना है, ये है Mn2O3 रहता है, Ms3 रहता है और वाटर रहता है, समझा, ये भी, लेकिन आपको एनसीईआरटी वाले रिएक्शन को प्रीफर करना समझा। बोलिए देख लिया, अच्छा आप बताइए, आप सारे लोग बताइए, सेल रिएक्शन कभी मत रटना, अगर कहे ट्राई सेल में सेल रिएक्शन लिखो, बताओ क्या करोगे जल्दी बोलो, सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे सारे लोग बताओ, सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, MnO OH NH3
MnO मैग्नीज ऑक्साइड, ये तो लिखा मैंने यार, ये वाला है MnO OH plus NH3, क्या पूछ रहा है भाई? हाँ वेरी गुड, सेल रिएक्शन किसी का नहीं रखिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यहाँ 2E है यहाँ 1E है तो दो से मल्टीप्लाई, इसलिए कह रहा है समझ के पढ़ोगे तो ये वाला पार्ट आसान लगेगा। हाँ एक ही सेल है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन है उसका मैं ट्रिक्स दूंगा, ये ऑलरेडी छोटी रिएक्शन है इसमें आप समझ के लर्न कर लेंगे। हाँ सेकेंडरी सेल में बड़ी बड़ी रिएक्शन, आप सुनो अच्छे से, इसके अलावा क्या क्वेश्चन बना सकता है तो रिमार्क्स लिखो नंबर वन पॉइंट, रिमार्क्स लिखो नंबर वन पॉइंट। लिख लिया बोलो जल्दी से। पहली बात आपसे ये पूछेगा कि फंक्शन ऑफ, प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, किसी भी इक्वेशन में Zn आया, Zn का इस्तेमाल हुआ, MnO2 लिया गया उसका इस्तेमाल हो गया, NHF4Cl लिया गया तो NHF4 प्लस आ गया, सर ZnCl2 क्यों लिया गया? कि एग्जामिनर जब टफ क्वेश्चन बनाएगा पूछेगा फंक्शन ऑफ ZnCl, रिमार्क्स का पहला पॉइंट डालो फंक्शन ऑफ ZnCl। अब देखो ZnCl2 का फंक्शन, सारे लोग बताओ कैथोड में प्रोडक्ट में अमोनिया गैस बनी है या नहीं, जल्दी बताओ तो देखकर, कैथोड में अमोनिया गैस ऐसा प्रोडक्ट बना है? हाँ तो देखो और से सुनो, केमिस्ट्री का रूल है जहां गैस बनेगा वहां प्रेशर डेवलप होगा, अब प्रेशर डेवलप होगा तो सेल के अंदर क्रैकिंग, वो क्रैक कॉसेस क्रैकिंग, क्रैक कर जाएगा, इसीलिए यहां पर क्या करते हैं, एक तो ये देखो क्लोज रहता है मेटालिक कैप से, तो जब गैस आएगा तो प्रेशर डेवलप करेगा, तो इसीलिए ZnCl2 मिला देते हैं। ZnCl2 क्या करेगा, जो अमोनिया गैस बना उसको गैसियस में नहीं रहने देगा, वो जल्दी से क्या करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो आपसे यही पूछेगा। ऐसे देखो तुम्हारे दिमाग में भी आएगा कि सर जिंक का इस्तेमाल हो गया, MnO को पेस्ट के फॉर्म में लिया गया, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, NHF4Cl इन्वॉल्व है, ZnCl2 का तो कहीं पर इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl, इसलिए ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, एक एक चीज को पढ़ के जाना है, क्वेश्चन का कोई ठीक नहीं है कहां से पूछते, तो बाल नोचते रहिएगा बाद में अफसोस करते रहिएगा। तो पूछेगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2, तो आप कहिएगा कि सिंस अमोनिया इज गैस व्हिच डेवलप्स प्रेशर एंड कॉजेस क्रैकिंग इन द सेल due to which ZnCl2 is added which form complex compound with ammonia, जल्दी बताइए क्या मेरी इंग्लिश समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई, अच्छा got it, got it, देखो मैं लिखाता हूं सारे लोग, हाँ ठीक है got it, लिखो ZnCl2 combines with ammonia, लिखो combines with ammonia to form complex compound, आगे का line otherwise
अदरवाइज अमोनिया बीइंग गैस इट causes cracking in the cell. तो ये सेल के अंदर क्रैकिंग कॉज कर देगा, इसलिए इसको बचाने के लिए हम सडन CH2 डाल देते हैं, ये सेल के अंदर क्रैकिंग ना आए. और नीचे रिएक्शन भी लिख लीजिएगा, ZnCl2 plus ammonia, ZnNH3O4 plus 2, ऐसे भी लिखा रहता है, किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए, बदला बराबर है. ZnNH3O4Cl, रिएक्शन लिखिएगा तो एग्जामिनर और खुश होगा. अमोनिया बीइंग अ गैस इट कॉजेस द क्रैकिंग, देयरफॉर बोलिए क्या आप लोगों ने लिख लिया, सच सच बताइए, समझ में आ गया? ए अल्लाह, इसका कोई यूज नहीं है बाबू, ये तो यूज क्या है यार, अमोनिया को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अमोनिया को गैस के गैसेस को, और जो चूंकि गैस था तो उसको गैस ना रह पाए इसलिए कंपाउंड बना दिया, अब इसका कोई यूज नहीं है. तो वो ड्राई सेल के अंदर ही रहेगा, ड्राई सेल के अंदर ही ZnCl2 है, अमोनिया है, बस फर्क यह है कि वो अमोनिया को गैसेस फॉर्म में रहने से बचाएगा. जैसे जैसे अमोनिया बनता जाएगा वो अमोनिया को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा. ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए थैंक यू. रिमार्क्स का एक छोटा सा पॉइंट और लिखिए, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूँ एक एक चीज आपको डिटेल में पढ़ाया जाए कि आपसे ये भी क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में. चलिए आप आइए सारे लोग. पहले लिखो फिर मैं समझा दूंगा. ड्राई सेल, देखिए ड्राई सेल डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र नहीं है इसकी, बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलता बेचारी. क्यों बताऊंगा, एज NH4Cl विच इज एसिडिक, और जो एसिडिक होता है ना वो क्रोस करता है, क्रोजन द जिंक कंटेनर, उस जिंक कंटेनर को खराब कर देगा. Even if the cell is not in use, अब इस इंग्लिश की मीनिंग क्या है वो मैं समझा देता हूं. पहले लिख लो सारे लोग, लिख लिए. ड्राई सेल डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ एज इन विच अ फूड सेल विच इज एसिडिक क्रोस द सेम कंटेनर Even if the cell is not in use. पहले लिख लिए सारे लोग. देखो एक बात तो यह है, जैसे तुम जानते हो कि सेल का इस्तेमाल होगा, सेल जब यूज होता है तो वो तो आपको मालूम है कि सेल एक डिफिनिट टाइम तक, सारे लोग सुनो, डिफिनिट टाइम तक वर्क करता है. मान लीजिए आपने पटला हाउस चौक पर ड्राई सेल का शॉप खरीदा या ड्राई सेल का शॉप लगाया, क्योंकि अभी मंदी है तो आपने ड्राई सेल का शॉप लगाया आपने, ठीक. ग्राहक मान लीजिए एक साल तक ग्राहक कोई ग्राहक नहीं आया आपके पास, तो ये ड्राई सेल गांव का खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा. क्यों भाई, लिखा कि इवन इफ द सेल, एक तो यूज होता है
हर सेल यूज के बाद डिफिनिट टाइम तक काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल नहीं भी यूज होगा फिर भी लॉन्ग लाइफ नहीं है, क्यों? NH4Cl एसिडिक है। तो सारे को लग रहा होगा ये सॉल्ट है, सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, क्यों? इसमें HCl है, HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। रेट ऑफ क्रोजन वो जिंक कंटेनर को क्रोड करेगा, इसलिए देखते होंगे कभी कभी गांव में शुरू किया, पहले जमाने में देखा होगा बैटरी के ऊपर पसीब जाता है, समझा कि मॉइस्चर आ जाता है, अगर आप ना यूज भी करेंगे तो बहुत दिनों तक आप इसको रख नहीं सकते। तो वही कहा गया ड्राई सेल डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, NH4 सेल व्हिच इज एसिडिक क्रोड द सेल इवन इफ द सेल इज नॉट यूज्ड। आप सोचा कि हम रख देते हैं 2 महीना के बाद इस्तेमाल, 3 महीना के बाद करेंगे, नहीं फिर भी वो खराब हो जाएगा, क्योंकि NH4Cl है वो एसिडिक है, जिंक कंटेनर को क्रोध करेगा। क्या बताओ ड्राई सेल के बारे में सारी बात समझ में आ गई? कि अगर पेपर अच्छा बनाया, कैथोड पर रिएक्शन, एनोड पर रिएक्शन, सेल रिएक्शन, इसी फॉर्म में याद रखो। चलिए अब लिखिएगा मर्करी सेल, मर्करी सेल लिखिए, मर्करी सेल लिखिए सारे। देखो मान लिया अल्लाह ना करे, मान लिया तुम बहरे हो गए, वो मशीन जिसमें लो करंट इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो, लो करंट डिवाइसेस, जैसे सुनने वाली मशीन, कुछ लोग बहरे हो जाते हैं तो कान में मशीन लगाते हैं, लो करंट डिवाइसेस में जो सेल इस्तेमाल होता है उसको मर्करी सेल कहते हैं। तो इसलिए पहले तो इसकी डिफिनेशन, फिर इसमें सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे वो बताया जाएगा। तो लिखो द सेल इन विच बताओ, लिख लिए सारे लोग, जल्दी बोलो। इसको भी रिएक्शन को याद करना बहुत आसान है, जल्दी बोलो साइंटिस्ट लोग, लिख लिए सारे लोग, जल्दी बोलो। चलिए अब इसमें छोटे फॉर्म में कैसे कैसे याद रखना है वो देखिए। पहला है आपके पास एनोड, एनोड कौन है याद रखो, जिंक अमलगम, इसलिए मर्करी नाम है जिंक अमलगम। कैथोड में ग्रेफाइट रॉड,
with paste of HGO. इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पेस्ट ऑफ HGO एंड KOH, ये तीन चीज शॉर्ट फॉर्म में याद रखो। आप देखो एनोड पर रिएक्शन कैसे होगी, बहुत आसान है। देखो एनोड पर कौन होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कुछ नहीं याद रखो, Zn है, Hg है। तुम क्या याद रखो, Zn, और यहाँ पर देखो KOH से OH माइनस, तो तुम याद रखो ZnO प्लस H2O प्लस 2E, यहाँ 2H। तो कहेगा OH कैसे आया, तो KOH से आया। कैथोड को याद रखने का आसान तरीका बहुत, जो प्रोडक्ट में बना है, देखो इधर तो ZnO है, अब याद रखो क्या लिखा हुआ है कैथोड में, HGO, HGO लिख दो, H2O लिख दो, 2E लिख दो, अब यहाँ क्या बचेगा बताओ, Hg लिक्विड, OH माइनस। इस तरह पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बताओ क्या सेल रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, जल्दी बोलो, सेल रिएक्शन लिख सकते हो कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, समझ समझ के पढ़ो, दोनों को लिख लो। अब इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, लास्ट की दो लाइन क्या पूछ रहा है, लास्ट की दो लाइन भाई, भाई ZN का ऑक्सीडेशन होगा, ZnO बनेगा, अब रिएक्शन में क्या समझना है, ZnOH है, ZnO H2O बना, हमने याद करने का तरीका बताया, कैथोड पर क्या करो, इसको पूरा उल्टा करके लिख दो, बस ZnO की जगह HCO लिख दो, H2O है, 2E है, Hg है, 2H माइनस। बोलिए, लिख लिया सारे लोग, जल्दी बोलिए। चलिए अब आइए इसमें एक रिमार्क्स लिख लीजिए जो आपको काम देगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें खास बात ये है इसके कि जब आप इसका सेल रिएक्शन लिखोगे, प्लीज सारे लोग सुनो, मैं सेल रिएक्शन इसमें इसलिए लिखता हूं कि आपको एक चीज मुझे समझानी है, सेल रिएक्शन जब लिखोगे ना, देखो क्या होगा, ZnHg और HgO gives ZnO plus Hg, ये आएगा पूरे सेल में, और से सुनो अच्छे से, Zn सॉलिड है, HgO भी सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और से सुनो, कोई आयंस नहीं है, याद है लास्ट इक्वेशन में जब आप ये लिखते हैं तो आयंस होता है, और आयंस जब भी रहेगा तो कंसंट्रेशन चेंज करेगा, पोटेंशियल भी चेंज करेगा। आप देखते हैं कि घड़ी की बैटरी बहुत ज्यादा दिनों तक चलती है, एग्जामिनर आपसे यही तो पूछेगा, नोट में आपसे पूछेगा कि मर्क्यूरी सेल में कांस्टेंट पोटेंशियल क्यों मेंटेन रहता है, जबकि मैंने आपको याद कीजिए कहा था सेल पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है, ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, याद है ये लाइन, आपसे वही पूछेगा, सेल पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज होता ही नहीं है, क्यों, इसमें कोई आयंस नहीं है, सबका कंसंट्रेशन 1 1 1 1, आयन जहां भी होगा वहां उसका कंसंट्रेशन का चेंज होगा, तभी सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा, वही पूछेगा, व्हाई द सेल पोटेंशियल ऑफ द मर्क्यूरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट
ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ये सही वर्ड हुआ। तो कह क्यों, कह क्यों, तो बिकॉज ओवरऑल, ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट, ओवरऑल सेल रिएक्शन, मैं फिर दोबारा समझा दूंगा, घबराइएगा नहीं, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। इन सॉल्यूशन हूज कंसंट्रेशन, अगर होता तो क्या होता, हूज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सारे लोग बताइए, याद रखिए इसके बाकी जितना भी स्किल देखिए, और आप नर्स इक्वेशन पढ़ चुके हैं, आयंस होगा तो कंसंट्रेशन चेंज करेगा, और याद रखिए सेल पोटेंशियल हमेशा चेंज करता है, सेल पोटेंशियल टाइम के साथ साथ डिक्रीज होता है, लेकिन मर्क्यूरी सेल एक ऐसा सेल है जहां सेल पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है। कोई कहे क्यों, सिर्फ सर बताओ, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, अरे सारे स्टूडेंट तो बोलो यार, अरे गॉट इट, अरे खदीजा से गॉट इट, गॉट इट माई पॉइंट, याद रखिए मर्करी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। चलिए आज ये पूरा मर्करी सेल, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल, टाइम बचेगा तो। अच्छा सुनिए, कल मैं सरफेस केमिस्ट्री शुरू करूंगा, ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एक आध दो न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन में एक आध दफा आ चुके हैं, एनसीईआरटी में कोई न्यूमेरिकल नहीं, तो छोटा सा चैप्टर है, हम इसको जल्दी खत्म करके केमिकल, इस बीच में क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और अच्छे से रिवीजन होगा, तो हम सरफेस केमिस्ट्री कल शुरू करेंगे, जब ये वाला थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो खत्म हो जाएगा तो। ओके माई डियर फ्रेंड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।